20 अक्टूबर 1984 का दिन था। इंदिरा गांधी ओडिशा के भुवनेश्वर में रैली कर रही थी। तभी इंदिरा अपनी पहले से तय स्पीच से इत्र कहने लगी, मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद यहाँ न रहूँ। मुझे चिंता नहीं मैं रहूँ या न रहूँ। मेरा लंबा जीवन रहा है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा में बिताया है। मैं अपनी आखिरी सांस तक ऐसा करती रहूंगी और जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। इसके 24 घंटे बाद 31 अक्टूबर 1984 के दिन शाम को खबर आती है कि देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नहीं रही। इंदिरा के ही दो सिख गार्डों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। देश के लोग अवाक रह गए। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी को अपनी मौत का अनुमान हो गया था। वो अपने डॉक्टर कृष्ण प्रसाद माथुर से अक्सर कहती थी कि किसी दुर्घटना में अचानक उनकी मौत हो जाएगी। उनकी यह बात सच भी साबित हुई। बात 38 साल पुरानी है। पंजाब में सिख आतंकवाद अपने चरम पर था। इसका नेतृत्व जनरल सिंह भिंडरांवाले कर रहा था, वो भी स्वर्ण मंदिर में बैठकर। 5 जून 1984 को उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सिख आतंकवाद को खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू करने का आदेश दिया। ऑपरेशन में भिंडरांवाला सहित कई की मौत हो गई। ऑपरेशन में स्वर्ण मंदिर के कुछ हिस्सों को क्षति पहुंची। इससे सिख समुदाय का एक तबका इंदिरा से नाराज हो गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद से खुफिया ब्यूरो को लगातार इंदिरा गांधी की हत्या की साजिश रचे जाने के इनपुट मिल रहे थे। इसी के चलते रॉ के पूर्व प्रमुख आर एन काओ को पीएम का सुरक्षा सलाहकार बनाया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी के सुरक्षा दस्ते से बेअंत सिंह जैसे सिख गार्डों को हटाकर दिल्ली पुलिस में वापस भेज दिया गया था। वरिष्ठ पत्रकार सागरिका घोष अपने एक आर्टिकल शी हैंडपिक्ड हिम ही शॉट हर डेड में लिखती हैं, इंदिरा गांधी ने सोचा कि सिख गार्डों को हटाने से जनता के बीच उनकी सिख विरोधी छवि बनेगी, लिहाजा उन्होंने दिल्ली पुलिस को अपने सिख गार्डों को बहाल करने का आदेश दिया, जिसमें बेअंत सिंह भी शामिल था। इंटरव्यू के लिए जा रही थी इसलिए बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी। 31 अक्टूबर 1984 की सर्द सुबह अच्छी धूप खिली हुई थी। इंदिरा के लिए यह काफी बिजी शेड्यूल वाला दिन था। उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने पीटर उस्तिनोव आए हुए थे। दोपहर में पूर्व ब्रिटिश पीएम जेम्स कैलाहन के साथ मीटिंग तय थी। इसके बाद राजकुमारी एनी के साथ डिनर का प्रोग्राम था। 1966 में इंदिरा के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके डॉक्टर रहे कृष्ण प्रसाद माथुर कहते हैं कि वे इंटरव्यू के लिए तैयार हो रही थी। ब्यूटिशियन उनका मेकअप करने में मशगूल थी। सुबह के 9 बजे थे। इंदिरा गांधी तैयार होने के बाद अपने घर एक सफदरजंग रोड से अपने ऑफिस बगल के बंगले एक अकबर रोड पर जाने को उठी। यहां पर पीटर उस्तिनोव उनका इंतजार कर रहे थे। धूप से बचाने के लिए कांस्टेबल नारायण सिंह एक छाता लेकर उनके बगल में चल रहे थे। उनके जस्ट पीछे उनके पीएआर के धवन और निजी सेवक थे। वो हमेशा की तरह काफी सुंदर दिख रही थी। उन्होंने इस दौरान ब्लैक बॉर्डर वाली केसरिया रंग की साड़ी पहनी थी। उन्होंने साड़ी के मैचिंग की ब्लैक सैंडल भी पहन रखी थी। कैमरे पर फोटोजेनिक होने के लिए उन्होंने अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी। उस दौरान धमकियां मिलने के चलते उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के लिए कहा गया था। जैसे ही इंदिरा गांधी एक अकबर रोड को जोड़ने वाले विकेट गेट पर पहुंची, उन्होंने धवन के कान में कुछ कहा। सिख गार्ड बेअंत सिंह से जैसे नमस्ते बोलती है, वो गोली मार देता है। गेट पर इंदिरा गांधी के सुरक्षा गार्ड सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह और संतरी बूथ पर कांस्टेबल सतवंत सिंह स्टेंगन लेकर खड़े थे। इंदिरा ने हमेशा की तरह आगे बढ़कर बेअंत और सतवंत को नमस्ते कहा। इतने में बेअंत ने 38 बोर की सरकारी रिवॉल्वर इंदिरा गांधी पर तान दी। तभी इंदिरा बोली, तुम क्या कर रहे हो? सेकंडों की खामोशी के बीच बेअंत सिंह फायर करता है। गोली इंदिरा के पेट में लगती है। इसके बाद बेअंत 4 और गोलियां इंदिरा गांधी पर दागता है। बेअंत चिल्लाता है, गोली मारो। सतवंत मशीन गन की 25 गोलियां इंदिरा के सीने में उतार देता है। बेअंत सिंह की दूसरी तरफ एक और सिख गार्ड 22 साल का सतवंत सिंह अपनी स्टेंगन लेकर खड़ा था। सतवंत यह सब देखकर घबरा गया। तभी बेअंत चिल्लाता है, गोली मारो। यह सुनते ही सतवंत अपनी 25 गोलियां इंदिरा गांधी के सीने में उतार देता है। इस दौरान सतपाय धवन स्टैच्यू बनकर खड़े रहे। धवन उस घटना को याद करते हुए कहते हैं, मैं उस दिन के बारे में सोचता हूँ तो पागल हो जाता हूँ। मैं इसके बारे में नहीं सोचने की कोशिश करता हूँ। वह बताते हैं कि सतवंत ने इंदिरा गांधी के जमीन पर गिरने के बाद भी फायरिंग जारी रखी। मुझे जो करना था कर लिया, अब आप करिए। इसी बीच धवन और अन्य सुरक्षाकर्मी खून से लथपथ इंदिरा की ओर भागे। बेअंत और सतवंत ने बिना किसी पछतावे के अपनी बंदूकें नीचे गिरा दी। बेअंत ने कहा, मुझे जो करना था मैंने कर लिया।
अब आपको जो करना है वो करिए। अब तक आईटीबीपी के जवान आ चुके थे, उन्होंने बेंत और सतवंत सिंह को अपने कब्जे में ले लिया। इसी दौरान रहस्यमय तरीके से बेंत सिंह को गोली मार दी गई और उसकी तुरंत मौत हो गई। एम्बुलेंस का ड्राइवर ही नहीं था, एम्बेसडर से इंदिरा को एम्स ले गए। कुलदीप नायर अपनी किताब एक जिंदगी काफी नहीं है में लिखते हैं, धवन ने एम्बुलेंस ड्राइवर को आवाज लगाई लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। उन्होंने इधर उधर देखा लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। प्रधानमंत्री के घर पर तैनात एम्बुलेंस का ड्राइवर उस वक्त चाय पीने के लिए बाहर गया था। अब धवन एम्बेसडर लाने के लिए कहते हैं। धवन और सुरक्षा कर्मी दिनेश भट्ट इंदिरा गांधी को एम्बेसडर की पिछली सीट पर लिटाते हैं। तभी सोनिया गांधी दौड़ते हुए आती है और चिल्लाती है, मम्मी, हे भगवान, मम्मी। सोनिया गांधी उस दिन को याद करते हुए कहती है, जब मैंने गोलियों की आवाज सुनी तो लगा कि ये दिवाली के बचे हुए पटाखों की है, लेकिन ये कुछ अलग था। मैं भागकर बाहर आई तो देखा उनका इंदिरा गांधी शरीर गोलियों से छलनी था। मेरी सास ऐसी अनहोनी के बारे में जानती थी, उन्होंने इस बारे में हमसे बात की थी, उन्होंने राहुल से भी बात की थी और कुछ खास निर्देश भी दिए थे। एम्बेसडर में सोनिया के साथ धवन और एक अन्य सुरक्षा कर्मी दिनेश बैठते हैं। सोनिया पीछे की सीट पर बैठी और इंदिरा गांधी के सिर को अपनी गोद में रखा था। इंदिरा गांधी को एम्स ले जाया जाता है। ऑफिस टाइम होने के चलते सड़क पर ट्रैफिक काफी ज्यादा था, इससे एम्स पहुंचने में समय लग रहा था। इस दौरान पूरे रास्ते कार में सन्नाटा छाया रहा। इंदिरा गांधी के शरीर से लगातार खून बह रहा था, इससे सोनिया का गाउन खून से भीग गया था। कार 9:30 बजे के आसपास एम्स पहुंचती है। ड्यूटी पर मौजूद जूनियर डॉक्टरों को एक झटके के साथ एहसास हुआ कि मरीज कौन है और गुलेरिया, एम कपूर और एस बालाराम जैसे टॉप सर्जन और डॉक्टर मिनटों में वहां पहुंच गए। इंदिरा गांधी का तुरंत ही इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किया गया। इंदिरा के दिल में मामूली हरकत हो रही थी, वही नाड़ी में कोई धड़कन नहीं मिल रही थी। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूजियम में रखी इंदिरा गांधी की खून से सनी साड़ी, ब्लैक सैंडल और हैंडबैग, 88 बोतल निगेटिव खून चढ़ाया लेकिन कुछ काम नहीं आया। डॉक्टरों ने तुरंत खून बहने से रोकने की कोशिश की, बाहर से स्पोर्ट दिया गया। सर्जनों ने उनके चेस्ट और पेट का ऑपरेशन किया। इस दौरान खून देने की अपील भी की गई। इसके बाद एम्स के बाहर खून देने वालों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। 88 बोतल ओ निगेटिव खून चढ़ाया गया लेकिन कुछ काम नहीं आया। कुलदीप नायर अपनी किताब एक जिंदगी काफी नहीं है में लिखते हैं, एम्स का वीआईपी विभाग बंद होने की वजह से वहां पर स्ट्रेचर नहीं था, उन्हें व्हीलचेयर पर कैजुअलिटी विभाग में ले जाया गया। यहां पर डॉक्टरों की टीम तैयार थी। इस बीच इंदिरा की मौत हो चुकी थी, फिर भी उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर उनके दिल की धड़कन फिर से शुरू करने की कोशिश की गई। डॉक्टरों ने बताया कि गोलियों ने उनके लिवर के दाहिने हिस्से को छलनी कर दिया था। उनकी बड़ी आंत में 12 के करीब छेद हो गए थे और छोटी आंत को काफी नुकसान पहुंचा था। उनके एक फेफड़े में भी गोली लगी थी और रीढ़ की हड्डी भी गोलियों के असर से टूट गई थी। सिर्फ उनका हृदय सही सलामत था। उनके शरीर पर गोलियों के 30 निशान थे और 31 गोलियां इंदिरा के शरीर से निकाली गईं। राजीव गांधी भी तब तक दिल्ली पहुंच गए थे। राजीव गांधी उस वक्त पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए गए हुए थे। राजीव गांधी को भी इसकी जानकारी बीबीसी रेडियो से मिली थी। इसके बाद दोपहर 2:23 पर औपचारिक रूप से इंदिरा गांधी की मौत की घोषणा हुई। वहीं बीबीसी ने कई घंटे पहले ही इस खबर की घोषणा कर दी थी। संवैधानिक मानदंडों के अनुसार जब एक प्रधानमंत्री की कार्यालय में किसी वजह से मौत हो जाती है तो दूसरे को तुरंत शपथ लेनी पड़ती है, नहीं तो सरकार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए ऑल इंडिया रेडियो को राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने से कुछ मिनट पहले ही घोषणा करने की अनुमति दी गई थी। एम्स में उस वक्त तक सैकड़ों लोग जुट गए थे। धीरे धीरे यह खबर भी फैल गई कि इंदिरा गांधी को 2 सिखों ने गोली मारी है। इससे माहौल बदलने लगा। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की कार पर पथराव हुआ। शाम को अस्पताल से लौटते लोगों ने कुछ इलाकों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। धीरे धीरे दिल्ली सिख दंगों की आग में झुलस गई। रात होते होते तो दिल्ली समेत देश के कई शहरों में सिख विरोधी दंगे भड़क गए। बेंत ने सितंबर के साथ प्लान बनाकर एक साथ ड्यूटी की। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली थी कि बेंत सिंह की संदिग्ध लोगों से मुलाकात हो रही है। इसके बाद इंदिरा गांधी के सुरक्षा सलाहकार आरएन काओ की सलाह पर उसे दिल्ली पुलिस में वापस भेज दिया गया था। लेकिन कुछ दिनों बाद जब इंदिरा गांधी को यह पता चला तो उन्होंने कहा कि यदि मैं सिख गार्ड को प्रधानमंत्री की सुरक्षा से हटा दूंगी तो
तो पूरे सिख समुदाय में इसका क्या संदेश जाएगा और इसका कितना गलत असर होगा। इसके बाद बेंत को फिर से उनकी सुरक्षा में लगा दिया गया। इसके बाद ये तय किया गया कि एक साथ दो सिख सुरक्षा कर्मियों को इंदिरा गांधी की सुरक्षा ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा। लेकिन 31 अक्टूबर के दिन सतवंत सिंह ने बहाना किया कि उसका पेट खराब है, इसलिए उसे टॉयलेट के नजदीक तैनात किया जाए। इस तरह बेंत और सतवंत प्लान बनाकर एक साथ तैनात हुए और उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या कर ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लिया। 9 साल से इंदिरा गांधी की सुरक्षा में तैनात था बेंत सिंह। सब इंस्पेक्टर बेंत सिंह 9 साल से इंदिरा गांधी की सुरक्षा में तैनात था। यहां तक कि हत्या करने से कुछ दिन पहले वह इंदिरा गांधी के साथ लंदन भी गया था। इंदिरा गांधी भी बेंत को काफी मानती थी और सरदार जी कहती थी। अपनी दादी की मौत के 3 दशक बाद राहुल गांधी ने बेंत सिंह और सतवंत सिंह को याद करते हुए उन्हें अपना दोस्त बताया था। उन्होंने कहा था कि बेंत ने मुझे बैडमिंटन खेलना सिखाया। राहुल ने बताया कि एक बार बेंत ने पूछा था कि मेरी दादी कहाँ सोई थी और क्या उनकी सुरक्षा पर्याप्त थी। उसने मुझसे कहा था कि अगर कभी कोई ग्रेनेड फेंके तो तुम तुरंत लेट जाना। राहुल ने कहा कि मुझे बाद में पता चला कि सतवंत और बेंत दिवाली के दौरान ग्रेनेड फेंकने वाले थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद बेंत सिंह खालिस्तानियों से जुड़ा। बताया जाता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले बेंत सिंह बहुत धार्मिक नहीं था, लेकिन इसके बाद उसमें परिवर्तन दिखाई देने लगा। वह अक्सर दिल्ली के मोती बाग गुरुद्वारे जाने लगा। यहाँ पर उसकी मुलाकात उसके अंकल केहर सिंह से होती थी। एक दिन बेंत सिंह गुरुद्वारे में ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात होने पर भावुक होकर रोने लगा। तब केहर सिंह ने उससे कहा, रो मत, बदला ले। इसी दिन बेंत के दिमाग में इंदिरा गांधी की हत्या का ख्याल आया। इसके बाद बेंत खालिस्तानी आतंकियों से मिलने लगा। इस दौरान उसने इंदिरा गांधी की हत्या का प्लान भी बनाया। पुलिस पूछताछ में सतवंत ने बताया था कि 17 अक्टूबर 1984 को बेंत से इस बारे में उसकी बात हुई थी। सतवंत इंदिरा गांधी की हत्या करने से पहले गुरदासपुर भी गया था। गुरदासपुर उस वक्त सिख का गढ़ हुआ करता था। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।